हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, बात करेंगे आज हम CISF के अंदर आपकी फायर की वैकेंसी आई है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 29 तारीख से, जनवरी से, और 4 मार्च तक भरे जाएंगे आपके फॉर्म। तो काफ़ी 1 सवा महीने का आपका टाइम है फॉर्म भरने का। लेवल 3 का इसके अंदर आपका पे स्केल रहेगा। बेसिक सैलरी आपकी 21,700 स्टार्ट होगी, उसके बाद जो आपका अदर अलाउंस है वो लग जाएंगे। ऑनलाइन मोड होगा, सबसे पहले आपका इसके फिज़िकल होगा। फिज़िकल होने के बाद आपका शायद कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम हो जाए या OMR बेस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका कैसा भी एग्ज़ाम हो। इसके अलावा आपका उसके बाद फिर कट ऑफ बन जाएगी, जो कि आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी। तो स्टेट वाइज में ठीक है, जो भी राज्य नक्सल एरिया पड़ता है या बॉर्डर एरिया पड़ता है, ठीक है, वो उनके पड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिन स्टेटों में बॉर्डर एरिया नहीं पड़ता, दिल्ली, हरियाणा या और जो स्टेट है, उनमें वैकेंसी काफ़ी कम हो जाती है। जैसे एंटायर स्टेट नक्सल एरिया की अलग से वैकेंसी आती है, तो ये थोड़ा सा दुख होता है कि जिन स्टेटों का बॉर्डर एरिया है, नक्सल एरिया नहीं लगता, उनकी वैकेंसी कम हो जाती है किसी कारण से। और जिनकी पड़ता है, उनकी उन जो डिस्ट्रिक्ट है उनके बच्चों को फ़ायदा हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है, अब अपने स्टेट की देख सकते हो। हमारे स्टेट की तो मात्र ही 14 वैकेंसी है, हरियाणा की तो इसके अंदर क्या 14 वैकेंसी में फाइट करे बताओ। चलो ठीक है, जो भी है, अब राजस्थान की देख लेते हैं। राजस्थान कहाँ पे है इसके अंदर? हाँ, राजस्थान देखो कितना बड़ा राज्य है, इसके अंदर सिर्फ 39 पोस्ट हैं, जबकि ये बॉर्डर एरिया भी है इसके अंदर। इसके अंदर बॉर्डर एरिया की वैकेंसी नहीं दी हुई है। और ये आप ये देख सकते हो, असम कहाँ पे है इसके अंदर? असम के अंदर इतनी वैकेंसी दे दी उन्होंने, एंटायर स्टेट की 103 वैकेंसी। तो क्या बोले इनके बारे में, किस प्रकार से ये अपना बनाते हैं। चलो ठीक है, जो भी है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको इसकी थोड़ी सी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सबसे पहले तो भाई आर्ट्स कॉमर्स वाले को तो कोई ज्ञान ही नहीं है, अपना दूसरी कोई जॉब ट्राई करे। तो सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए उन्होंने अप्लीकेबल किया है, तो फिर ये दो स्ट्रीम बनाई क्यों, इनको बंद ही कर देते आर्ट और कॉमर्स ही, वो बंद कर देते, ओनली साइंस ही रहती तो ठीक रहता। ऐसा क्या है जो साइंस और आर्ट और कॉमर्स के बच्चे नहीं कर पाएंगे इसके अंदर फायर में? एज लिमिट आपके 18 से 23 रहेगी, कैटेगरी वाइज आपको छूट है। और फिजिकल का चलते हैं, हाइट 170 रहेगी, चेस्ट 80 से 85, इन इन एरिया के हाइट में छूट है। गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, लद्दाख, और आपके इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के भी हैं क्या? हाँ, जो ट्राइबल एरिया ST हैं, मिजो, नागास, उनके लिए, चकमा हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए थोड़ी छूट है इसके अंदर। तो ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की ST कम्युनिटी की छूट है वहाँ पे। टैटू के बारे में भी कुछ कहा गया है, तो ये आप देख सकते हो, जिनके हाथ पे या एल्बो पे टैटू है। ये देख सकते हो, आपका सबसे पहले फिजिकल ही होगा। फिजिकल के अंदर आप साफ साफ लिखा गया है 5 किलोमीटर रनिंग होगी 24 मिनट के अंदर। तो आपका SSC GD वाला ही रनिंग का प्रोसेस है इसके अंदर। हाइट, चेस्ट, ये आप देख सकते हो सारी चीज़। तो इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको तो कमेंट कर सकते हो, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये OMR बेस भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस भी, 90% चांस आपका OMR बेस ही होगा। ये आपका फी रिटर्न का सिलेबस है, इंग्लिश हिंदी में से कुछ भी कर सकते हो। 25 का आपका मैथ आएगा, GK आएगी और रीजनिंग आएगी। नेगेटिव मार्किंग का इसके अंदर मेरे को अभी कुछ दिखा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का तो नहीं है शायद,
अगर कुछ दिखेगा तो मैं बताता हूँ। हाँ, नो नेगेटिव मार्किंग्स, ठीक है, देर सेल भी नो नेगेटिव, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर एग्ज़ाम में, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टार्ट हो गए हैं। और इसके अलावा जो भी आपको डाउट हो या कुछ पूछना हो इसके बारे में तो कमेंट करें, ठीक है। और कुछ नहीं है इसके अंदर इतना कुछ ज़्यादा, और सब फॉर्म भरने से रिलेटेड है। अच्छा, इन राज्य के ऑल डिस्ट्रिक्ट है मिलिटेंसी अफेक्टेड, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। सभी को जय हिंद।